हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओरेकल एपेक्स में इमेज को किस तरह डिस्प्ले करते हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट में, तो आज हम ये सीखेंगे। तो पहले आप लोग क्या करोगे, पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट टेबल यूज़र अंडरस्कोर डिटेल, फिर हमारे पास एक फील्ड हो गए इसमें यूज़र आईडी, इसका डेटा टाइप हम नंबर रख देते हैं और इसको हम प्राइमरी की भी बना लेते हैं प्राइमरी की। फिर उसके बाद यूज़र नेम, इसका डेटा टाइप हो गया वारचार टू, लेंथ 30 हमने रख दिया और ये नॉट नल। और फिर उसके बाद है यूज़र इमेज, इसका डेटा टाइप हम रख देंगे बी लाब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम पहले ये टेबल क्रिएट कर लेंगे। ये देखो, ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे ओरेकल एपेक्स में आ जाएंगे, अपने ऐप में ITEDU ऐप में आ जाएंगे और यहाँ पर अब हम क्रिएट पेज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे और रिपोर्ट विथ फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम रिपोर्ट का जो पेज होगा उसका नाम हम रख देंगे यूज़र डिटेल। वाइल फॉर फॉर्म पेज वी विल यूज़ यूज़र फॉर्म। ओके, देन प्रेस द नेक्स्ट बटन, देन हेयर सेलेक्ट द क्रिएट ए न्यू नेविगेशन मेन्यू बार एंड हेयर इट, ये यूज़र डिटेल अपना, इसका अपना एक मेन्यू होगा। मैं इसको किसी का पार्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। अब देन नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, हेयर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टेबल, सो आवर टेबल नेम इज़ यूज़र डिटेल, इट टेकिंग सम टाइम। ओके, सो हेयर आवर टेबल नेम इज़ यूज़र अंडरस्कोर डिटेल, सो दैट्स आवर रिक्वायर्ड टेबल, सेलेक्ट इट, प्रेस नेक्स्ट बटन and here select the primary key which is user id, create button, so now here our required form and report has been created successfully and now we are in the report design form, sorry, now we are in the report design page. So here you can see the required column, a user id, username and user image. First isko pehle run karte hain, let's see, run it. And now here try to insert, we will try here to insert a record. So here press the create button and add the required record. Okay, by default primary key hide होता है, तो पहले हम इस तरह कर लेंगे, इसको cancel कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमारा फॉर्म जो है पेज नंबर यूज़र डिटेल और ये यूज़र फॉर्म ये है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और यूज़र आईडी को हम अनहाइड कर लेंगे। सो हेयर जस्ट सेलेक्टेड द डेटा टाइप इज नंबर, सो हेयर जस्ट सेलेक्ट नंबर फील्ड, नो इट्स ओके एंड नो यूज़र डिटेल पेज पे आ जाइए और अब इसको रन कर ले। सो नो हेयर जस्ट प्रेस द क्रिएट बटन एंड हेयर फॉर एग्जांपल हमारा एम्प्लॉय नंबर 1, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे शेर अली और इसका इमेज हम अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और PPP ये इमेज हमने अपलोड कर लिया, इसको क्रिएट कर लो। लेकिन अब यहाँ पर देख लो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाओ रिपोर्ट पेज पे, कॉलम में आ जाओ और यूज़र इमेज के फील्ड पे को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इसकी जगह इसके टाइप में डिस्प्ले इमेज कर लो, सिंपल सेव कर लो और रन कर लो। तो अब ये देखो इमेज हमारे पास अब डिस्प्ले हो रहा है, ठीक हो गया। सो इसी तरह हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट में इमेज को डिस्प्ले करते हैं।
If you people like my videos, kindly subscribe my channel and like my video. Thank you. Bye bye.